शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ राकेश बेटा, ये है घर। और जैसे अपनी बात हुई है, किराया मुझे वक्त पे चाहिए, उसमें मुझे किचकिच नहीं चाहिए। जी आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रेंट बिल्कुल आपको टाइम पे मिलेगा। ये लो चाबी, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। खुले में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तुम लोगों की परवाह कब से करने लगे? ये मेरा घर है, तुम मेरी बीवी हो, कोई देख रहा है तो शौक से देखे। हम नहीं रुकने वाले। ये तो चली गई। सोनिया। हाय राकेश, तुम पहुंच गए लखनऊ? हाँ, कहाँ है तू? घर पे, वो मधु के साथ मूवी जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। क्यों? कुछ नहीं यार, तेरी ना याद आ रही है, जाने से पहले थोड़ी प्यार भरी बात कर ले। क्या? मन कर रहा है यार। देखो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, और अभी मुझे मूवी के लिए लेट हो रही है तो मैं फोन रख रही हूँ। बाय। कुछ नहीं दिख रहा। हेलो
हाँ सनी बोलो। मिल रही हो ना तुम आज? हाँ बिल्कुल मिल रही हूँ। ओके मैडम जल्दी आएगा। तुम रखो फोन, आती हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस। कहाँ है आपका ऑफिस? एमजी रोड। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे, रुकिए। आपको पहले कभी नहीं देखा? हाँ नया नया आया हूँ शहर में तो। करते क्या हैं आप, मतलब मुझे दूरबीन से देखने के अलावा? आईटी कंपनी में अभी अभी नई जॉब लगी तो प्रोग्रामर हूँ वहाँ पर। वाओ, शादीशुदा हैं आप? नहीं। कल्फिन है पर वो कानपुर में रहती है। ओहो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बहुत मुश्किल होता होगा ना वो? एक्चुअली क्या, डर क्यों रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? उर्वशी। आइए चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं मेरा यहीं पास में ऑफिस है तो मैं चला जाऊंगा। थैंक्स। अरे हम दोनों पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, राइट? कुछ भी चाहिए हो ना तो आ जाइएगा मेरे पास। वैसे हमारी दोस्ती से ना बहुत फायदा हो सकता है आपको। चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको मेरी कार में। नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, बाय। हाँ सनी पहुंच गए तुम? हाँ कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, और इतनी देर क्यों हो गई? दिनेश घर आ गया तो? और फिर दिनेश को अगर पता लग गया तुम मेरे साथ होटल में हो तो वो तुम्हारा क्या हशर करेगा? अरे तो ये सब मैं दिनेश के लिए ही तो कर रही हूँ। रियली? वो कैसे? अरे सिंपल यार, मुझे लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचर चाहिए, राइट? रूटीन लाइफ बहुत ही बोरिंग होती है तो यार मैं बोर हो जाऊंगी। और फिर हमारी शादी में भी बोरियत आ जाएगी। तो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे रिश्ते में वही जोश वही दीवानगी बरकरार रखने के लिए कर रही हूँ यार, जो हमारी शादी से पहले था। वाह क्या फिलोसफी है तुम्हारी। और जो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगी। अच्छा फोन रखो, बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके बाय। बाय। काका मेरे लिए जूस लेकर आइए ना। जी मैम साहब। तुम्हें देख नहीं रहा काका पैर दबा रहे, जाओ जाकर खुद ले लो। मुझे तुमसे काम है। कहो। यहाँ नहीं अकेले में। मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या काम है, आज नहीं। भी आ गई। पति ना सही पड़ोसी ही सही। कुछ भी चाहिए हो ना तो आ जाइएगा मेरे पास। वैसे हमारी दोस्ती से ना बहुत फायदा हो सकता है आपको।
यहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ। जाओ ना, तुम बैठो काका के साथ अपने। तुम्हें कही गई बात एक बार समझ नहीं आती? अंदर चलो। ना आज नहीं। दिनेश, तुम उस रामू काका से मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना? आखिर वो तुम्हारा नौकर है और मैं तुम्हारी बीवी। वो 20 साल से है मेरे साथ और मेरा हर एक काम करते हैं वो। तुम सिर्फ एक ही काम करती हो। तुम्हें कही गई बात मेरी एक बार समझ में नहीं आती? दिनेश, जब तुम्हें चाहिए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, फिर चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन जब मुझे चाहिए उसका क्या? तुम हमेशा क्यों मना करते हो? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मैं नहीं। जैसा मैं चाहूंगा वैसा करोगी और तुम्हारी चाहत का कोई मोल नहीं है। आ गई ये। आपका पार्सल। हेलो, मेरा पार्सल मिला तुम्हें? अरे इसकी क्या जरूरत थी यार? अरे बाबा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। अब ये बताओ कैसा लगा तुम्हें? राकेश। क्या हो गया है तुम्हें? अरे कुछ नहीं यार, मैं तुमसे ना बाद में बात करता हूँ, ठीक है? नहीं, पहले तुम ये बताओ कि क्या कर रहे हो? पड़ोस की खिड़की में झांक के देख रहा हूँ। क्या उल्टे सवाल करोगी तो उल्टे जवाब मिलेगा ना? सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो। अच्छा बाबा, ये सब छोड़ो और ये बताओ ऑफिस कितने बजे जाना है? 9:30। तो ऑफिस तुम्हारे घर के बहुत करीब है क्या? क्योंकि ऑलरेडी 9:15 तो हो गए। हाँ यार, मैं लेट हो गया हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? बाय। दूरबीन से आगे बढ़ो। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. सुबह से आज दिखी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। कोई बात नहीं, बाद में फोन कर लो। हेलो। हेलो राकेश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या कर रहे हो? थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे यार, ऐसे भी क्या बिजी हो कि तुम 2 मिनट मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर सकते? अरे ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ तुम्हें। अरे सुनो,
कहा मतलब मैं जो कह रहा हूँ मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ नहीं होता विश्वास, क्योंकि जिस किस्म की हरकत तुम आजकल करने लगे हो ना, मैं क्या किसी को भी तुम पे भरोसा नहीं होगा। देखो देखो, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? तुम तो मेरा घर से निकलना बंद कर दोगी। राकेश तुम कहां की बात कहां लेके जा रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सुनो अभी ना मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते आराम से, ठीक है? कल से दिखी भी नहीं है, ना ही फोन उठा रही है, जाकर ही देखता हूं। हेलो। अरे कब से फोन कर रहा हूं तुम्हें, कल से टेरेस पे भी नहीं दिखी। सब ठीक है ना? क्या बात है, बड़े बेसब्री हो रहे हैं आप तो। मुझे ना मिलना है तुमसे। मुझे भी मिलना है आपसे, लेकिन अभी नहीं, शाम को। दिनेश रामू काका के साथ हमारे फार्म हाउस जा रहे हैं। तब घर आ जाना आप, मैं इंतजार करूंगी बेसब्री से। बाय। अच्छा एक बात बताओ, मैं दूरबीन से ज्यादा अच्छी दिखती हूँ या ऐसे? सॉरी पर वो उस दिन टेरेस पे आपको देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब तो ऐसा लगता है कि आपको रोज देखने की आदत सी पड़ गई है। क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? नहीं मेरा मतलब मुझे ना आप बोलो, मुझे आप क्या? मुझे ना आप अच्छी लगती है। सोचो दूरबीन से देख देख कर ये हाल है, कहीं तुमने सच में मुझे देख लिया तो क्या होगा? मतलब फॉलो। We'll be right back.
तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। दिनेश रुक, इधर रुक। आ जाएगा भाग के। मैं कुछ नहीं करूंगा। जब आपको मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी के साथ रंगरलिया मनाएगा। लाश ठिकाने लगानी होगी। साहब, भीम साहब, राकेश कहाँ है बताओ ना। जब तक मैं वापस ना जाऊं चुपचाप इस कमरे में पड़ी रहना। अगर ज्यादा चू चपड़ की ना तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यही रहूंगी, लेकिन प्लीज बताओ ना, बताओ राकेश कहाँ है, तुमने कुछ किया तो नहीं है ना, बोलो ना दिनेश सुनो ना, दिनेश सुनो ना। पहले इसको ठिकाने लगाते हैं, बाद में अगर इसको देखेंगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सच सच बता, कितने यार हैं तेरे? कोई नहीं। सच सच बताओ वरना जान से मार दूंगा। मैं सच कह रही हूँ। कब से जानती थी इसे? हाँ अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे और ये पहली बार था। राकेश, राकेश कहाँ है और क्या किया है तुमने उसके साथ? तुम्हें क्या लगता है कोई मेरी बीवी को छुएगा, मेरी बीवी को प्यार करेगा, उसके साथ मैं क्या करूंगा? शुक्र मनाओ तुम्हारे साथ वो नहीं किया, और आज के बाद तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी? इसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिनेश वहां एक मिनट बुलाता हूँ। बुलाइए। जी कहिए। आप दिनेश चौहान हैं? जी। आपकी पत्नी का नाम उर्वशी है क्या? जी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आपके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है आपकी पत्नी के गुमशुदा होने की। क्या बकवास है, वो 3 दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई। वैसे ये फाइल रिपोर्ट किसने की? आपकी बीवी के माँ ने। उनका कहना है कि पिछले 3 दिनों से आपकी बीवी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है क्या? इंस्पेक्टर, मेरी सास फालतू में परेशान हो रही है। उर्वशी यूजुअली ट्रैकिंग पर जाती है और वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगी।
जैसे ही वो वापस आएगी मैं आपकी बात करवा दूंगा। थैंक यू। क्या हम घर देख सकते हैं आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, कहना हम नहीं चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही कह रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? मैं तलाशी ले लूँ। ऐतराज़ नहीं है, थोड़ा कानून मैं भी जानता हूँ। आप सर्च वारंट लेकर आइए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप पूरे घर की तलाशी लीजिए, ठीक है? थैंक यू। ठीक है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। हेलो जी, नमस्ते, मैं सोनिया बोल रही हूँ, आपके किराएदार राकेश की मंगेतर। हाँ बोलिए, क्या काम है? 3 दिनों से राकेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और घर पर भी ताला लगा हुआ है। अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं दूसरी चाबी लेकर आता हूँ। देखिए ना, घर पर कोई भी नहीं है। तो ऑफिस में होंगे? नहीं, 3 दिनों से वो ऑफिस भी नहीं गए हैं। मैंने वहाँ फोन करके सबसे पूछा है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। अब प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलिए, मुझे देखना है, प्लीज। मैं खोलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ। आप आज सुबह आए थे ना मेरी वाइफ उर्वशी चौहान के बारे में जानने के लिए, वो वापस लौट आई। लीजिए, उनसे बात कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं उर्वशी चौहान। जी, मेरी माँ ने कल एक पुलिस कंप्लेन फाइल की थी। कहाँ थी आप? जी, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई हुई थी, अभी वापस आई हूँ। माँ को बता के नहीं गई थी क्या आप? जी, मैं जल्दी जल्दी में उन्हें इन्फॉर्म करना भूल गई थी, लेकिन मेरी अभी उनसे बात हो गई है। अभी आप ठीक है ना? जी ठीक। मैं अंदर देख के आता हूँ। तो नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती अप्सरा से कम भी नहीं है। अपने पति के साथ रहती है। आप जानते हैं उन्हें? लखनऊ में इन्हें कौन नहीं जानता, बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है। और उर्वशी तो मिस लखनऊ भी रह चुकी है, और फिर दिनेश चौहान को इनसे इश्क हो गया और फिर शादी। तो राकेश भी कभी इनसे मिले थे? एक बार उर्वशी को देखा था राकेश से बातें करते हुए। पहले तुम ये बताओ कि क्या कर रहे हो? पड़ो उसकी खिड़की में झांक के देख रहा हूँ। हाँ सोनिया। हेलो भैया, मैं राकेश के घर से बात कर रही हूँ। आपको मैंने बताया था ना कि राकेश का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, आपने उसकी कॉल डिटेल चेक करी क्या? उसकी लास्ट लोकेशन यहीं की है। हाँ सोनिया, देखो मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ, पर ऐसा ना हो कि कंपनी को पता चल जाए और मेरी नौकरी चली जाए। नहीं भैया, आपकी कंपनी को कुछ नहीं पता चलेगा,
अच्छा सुनिए, मैं अभी राकेश के घर पर ही हूँ। आप प्लीज चेक करके बताइए कि राकेश की लास्ट लोकेशन यही है क्या। रुको एक मिनट, रुको। लोकेशन ये नहीं है, पर सुनो एरिया इस जगह के आसपास ही दिखा रहा है। बेटा सुनो, वो देखो उर्वशी, चले चल। पुलिस ने ना पूरा प्लान चौपट कर दिया। इस धोखेबाज को कुछ दिन और झेलना पड़ेगा। कौन हो सकता है, चाहिए जाकर देखिए। जी जी, मुझे उर्वशी जी से मिलना था। नहीं वो तो घर पर नहीं है। लेकिन मैंने अभी उनको विंडो के पास देखा था। अच्छा, शायद वापस आ गई होगी। आपका नाम? जी सोनिया जी, आप आइए ना। सब कोई सोनिया नाम की लड़की आई है मैम साहब से मिलने के लिए। उससे कहो मैम साहब घर पे नहीं है। मैंने उन्हें कहा पर हाँ, उन्होंने मैम साहब को खिड़की में देख लिया है। हाँ बैठिए बैठिए। सुनिए जी, मैं दिनेश चौहान, उर्वशी का पति। जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या काम था आपको उनसे? जी मैं उर्वशी जी से मिलना चाहती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं मिल सकती, आप मुझे बताइए। देखिए उर्वशी जी मेरे मंगेतर को जानती थी, बस उसी सिलसिले में मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक बार मिलने दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार। मंगेतर? कौन है आपके मंगेतर? वो सामने वाले घर में रहते हैं, उनका नाम राकेश है। अभी कुछ दिन पहले शिफ्ट कराए उन्होंने। रुकिए मैं लेकर आता। काका एक ग्लास पानी मिलेगा प्लीज? जी। हाँ सोनिया। हेलो भैया, राकेश के कॉल की लास्ट लोकेशन यही है क्या? एक मिनट रुको रुको, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये लोकेशन है। आप ना एक बार राकेश का फोन लॉक चेक करिए, उसमें दिनेश और उर्वशी चौहान का नाम है क्या? ये उन्हीं का घर है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ कि तुम अभी वहाँ से निकलो और पुलिस स्टेशन जाओ, वो लोग राकेश को ढूंढ लेंगे ना। अच्छा ठीक है भैया, मैं आपसे बात मत करती हूँ। से बाहर क्यों गई थी? मना किया था ना? डरती रहो ना, गला घोट के मार दूंगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। पूछिए सोनिया जी जो आपको पूछना है। जानती हूँ? जी नहीं। अभी उस दिन पहले तो आप इनसे मिली थी और आज आप कह रही कि आप इनको पहचानती नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है, मैं इसे नहीं जानती हूँ और अब आप जा सकती हैं। लेकिन आप, सुना नहीं आपने? आप जाइए प्लीज यहाँ से। ठीक है अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगी, वो भी पुलिस को साथ लेकर, क्योंकि आपकी जो वाइफ है ना वो झूठ बोल रही है और ये मैं साबित करके रहूंगी। नहीं जाने क्यों दिया उसे, वो पुलिस के पास चली गई तो।
जाने दो, मुझे अच्छे से बताइए कि बाद में क्या करना। भैया जल्दी से कॉल बैक चेक करिए, वो जरूर कुछ छुपा रही है, मैं पुलिस के पास। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ज़्यादा हिम्मत बिना कभी कभी तकलीफ देती है। देखा तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया। चला बता, तू मेरे घर कैसे पहुंची? और राकेश ने उर्वशी के बारे में क्या क्या बताया? बोल। मतलब मेरा शक सही था। राकेश आखिरी बार तुम्हारे घर आया था ना वो? ये सब तुझे कैसे पता चला? क्यों? ये सच है ना? कहाँ है वो? ना चिल्ला क्यों रही? वो अब ये सब नहीं सुनने वाला, वो तो गया। क्या है ना, ये जो पत्नी है ना उर्वशी, उसका कैरेक्टर थोड़ा ढीला है। वो क्या कहते हैं, थोड़ा एडवेंचरस टाइप है, जिससे उसे इधर उधर मुंह मारने की आदत पड़ गई। अब तुम ही बताओ, अगर कोई पति ऐसे देखेगा तो वो बर्दाश्त करेगा? इसलिए मैंने सोचा उसके पर काट दो। क्या किया तुमने, क्या किया तुमने राकेश के साथ? मार दिया तुमने राकेश को? क्या जरूरत थी उसे मारने की? क्यों करा तुमने? मेरे ही घर में, मेरे ही बिस्तर पर मेरी ही बीवी के साथ रंगरलिया मनाए और मैं उसे जाने दूं? मैंने तो अपनी बीवी को मारने का भी प्लान बना लिया था। अब तुम भी नहीं बचोगे। कौन पकड़ेगा मुझे? तुम? अब तुम्हें भी मारने जा रहा हूं और उसके बाद उर्वशी को भी मारूंगा। You are under arrest. आपका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब आपने इनको रोड से उठवाया था अपने गुंडों से, तो अपने भाई से ये फोन पे बात कर रही थी। और इनके नंबर को ट्रेस करके हम लोग यहाँ पे पहुंच पाए। अब वो फोन इनके बैग में है, वो बैग उसी कार में है जिसे आपने किडनैप करवाया, समझे? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरे मंगेतर राकेश का खून करा है। अरे मुझे भी मारने वाला था, और सिर्फ ये नहीं, ये तो अपनी पत्नी उर्वशी का भी खून करवाने वाला है। इंस्पेक्टर साहब बकवास कर रही है लड़की, मैंने राकेश का खून नहीं किया है। क्या सबूत है इसके पास? सबूत है मेरे पास सर, जब मैं इनके घर गई थी तो मैंने वहाँ पे राकेश की चप्पल देखी थी जो मैंने उसको गिफ्ट की हुई थी, और राकेश की लास्ट लोकेशन इनके घर की है। लेकर जाओ उन्हें। आपको ऐसे खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है। सर मैं आपके पास ही आने वाली थी। एंड थैंक यू सो मच कि आप सही वक्त पर आ गए, लेकिन अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि इनकी पत्नी उर्वशी की जान खतरे में। प्लीज जल्दी चलिए। चलिए। आप ठीक है ना? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। आप घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो गया।